दोस्तों यह वीडियो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन के प्रकार और जो सबसे पहला प्रकार होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन उस पर बनाया गया है। दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप कक्षा दसवीं में है तो यह वीडियो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। अगर आप कक्षा दसवीं पार कर चुके हैं तो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए कितना इंटरेस्टेड है बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बात आप अच्छे से समझ रहे हैं। दोस्तों आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वह है हाइड्रोकार्बन। तो चलिए समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। दोस्तों हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। दोस्तों कार्बन के जितने सारे यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। कार्बन के सभी यौगिक जो होते हैं वह हाइड्रोकार्बन नहीं होते। अब जैसे CO2 तो कार्बन का यौगिक है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन है, इसलिए यह हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएंगे, लेकिन यह कार्बन के यौगिक है। तो चलिए देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल क्या होता है। दोस्तों हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल बहुत सारा है, इसे आप लिख नहीं सकते इतना सारा है, लेकिन कुछ है जो आपको जैसे के लिए दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। दोस्तों यहां पे CH4 लिखा गया है, इसको मेथेन बोलते हैं। या क्यों बोलते हैं मेथेन इसे, जब हम आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। C2H6 है और यहां पे C2H2 C3H4 इत्यादि। दोस्तों ऐसे करोड़ों एग्जांपल है जिसे आप लेकर हाइड्रोकार्बन को समझ सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा है, आप जब जैसे जैसे धीरे धीरे टॉपिक को पढ़िएगा समझिएगा तो आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कक्षा दसवीं के लिए। अगर कक्षा दसवीं पार भी कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों चलिए अब हम समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों हाइड्रोकार्बन मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं, लेकिन किसी किसी बुक में दो ही प्रकार दिया गया है। अगर एग्जाम में पूछे तो आप दो प्रकार लिख दीजिएगा फिर भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन अगर आप चार प्रकार लिखते हैं तो आपको मार्क्स कटने का डर नहीं रहेगा। दोस्तों वह कौन से चार प्रकार है, चलिए देखते हैं एक एक करके। दोस्तों सबसे पहला प्रकार है जिसका नाम है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं अंग्रेजी में। दोस्तों दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और तीसरा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। यह अंग्रेजी नाम ही, इसका अंग्रेजी में भी एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ही होता है। दोस्तों चौथा और अंतिम यह है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी कि अंग्रेजी में भी इसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही बोलते हैं, यह अंग्रेजी नाम है। दोस्तों सबसे पहला जो प्रकार है वह है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो इस पर अच्छे से समझेंगे। दोस्तों बिहार बोर्ड में इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो आप इसे अच्छे से समझिए, हो सके तो इसे कॉपी पे नोट कर लीजिए और इसको बार बार रिविजन करते रहिए तो आपको ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों सबसे पहले है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन यह क्या होता है। तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंधन द्वारा जुड़ी रहती है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन का परिभाषा यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, और साथ ही इसमें एक चीज यह है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ चुका है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं होती है वह कितने अबंध या बंधन द्वारा जुड़ी रहती है आपस में। दोस्तों तो आपको वहां पे टिक लगाना पड़ेगा एकल बंधन द्वारा। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें चारों संयोजकताएं जो होती है एकल बंधन द्वारा जुड़ी रहती है। दोस्तों अगला टॉपिक क्या है, इसी का एक पॉइंट है और इसे आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट कीजिएगा तो आपको यह पॉइंट काम आ जाएगा। दोस्तों कोई भी गाइड या गेस रटकर अच्छे मार्क्स आप नहीं ला सकते हैं। आप सब्जेक्टिव को तो बना सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव को नहीं बना सकते हैं। गेस या गाइड या कुछ भी जो होता है वह टकराता है दो से चार क्वेश्चन, वो भी कहां कराता है, जो क्वेश्चन पूछ चुका रहता है वो। गेस आपको बस हेल्प कर सकता है ऑब्जेक्टिव बनाने में, वह नंबर नहीं दिला सकता। उसके लिए आपको बहुत ही अच्छे से एक एक टॉपिक को समझना पड़ेगा, NCERT का या फिर जो बिहार बोर्ड का अपना बुक है वह जो बुक है उसको आपको एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। दोस्तों यह है वह अंतर में आपको जब अंतर स्पष्ट कीजिएगा कि संतृप्त और असंतृप्त में क्या अंतर है तो आपको यह पॉइंट वहां काम आ जाएगा और फिर सब्जेक्टिव में भी काम आएगा बहुत जगह। क्या है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक क्रियाशील नहीं होती है। अब यह पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं तो पैराफिन भी कहते हैं। दोस्तों अगर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दे कि पैराफिन के नाम से किसे जाना जाता है तो आप
पूरा स्पष्ट से लगा सकते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन के नाम से जाना जाता है। और इसे क्यों जाना जाता है तो आपको जवाब होना चाहिए वहां पर क्या चीज, कि यह जो होता है अधिक क्रियाशील नहीं होता है। अब चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। दोस्तों यह नोट है और यह नोट आपके लिए बहुत ही ज्यादा वीवी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। क्या है कि आईयूपीएसी प्रणाली के अनुसार संतृप्त हाइड्रोकार्बन को आईयूपीएसी के अनुसार एल्केन कहते हैं। अब आधा बच्चे को तो यही नहीं समझ में आता है कि एल्केन आखिर आया कहां से। दोस्तों यह कोई नया नाम नहीं है बल्कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का ही आईयूपीएसी नाम है जिसे हम लोग एल्केन कहते हैं। इसको हम अच्छे से समझेंगे कि एल्केन क्या होता है, क्योंकि यहां से भी बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। हम बोल रहे हैं ना कि इसका एक एक लाइन इंपोर्टेंट है दोस्तों कक्षा दसवीं के लिए और आगे के क्लास के लिए, तो ये आपका बेसिक हुआ या इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो चलिए एक बार अच्छे से आप समझ लीजिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। दोस्तों वही हाइड्रोकार्बन कहलाएगा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होगा, वह नहीं कहलाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन होगा। तो आप इसे याद रखिएगा। और हाइड्रोकार्बन मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, बहुत सारे बुक में दो ही है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, लेकिन आप चार लिखते हैं तो आपको नंबर कटने का कोई चांस नहीं रह जाएगा। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकताएं जो होती है एकल बंधन द्वारा जुड़ी रहती है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दोस्तों कार्बन एवं उसके यौगिक पर मैं लगातार वीडियो बना रहा हूं, दोस्तों हो सके तो आप सभी वीडियो को देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। यह बंधन आबंध क्या होता है यह पिछले वीडियो में बना चुके हैं कार्बन एवं उसके यौगिक से, यह पार्ट 18वां वीडियो है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा पढ़ाई हो चुका है इस चैप्टर में। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि यह एल्केन क्या होता है। दोस्तों एल्केन जो होता है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन का ही दूसरा नाम होता है, किस चीज में, तो आईयूपीएसी में। आईयूपीएसी में इसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। चलिए एल्केन के बारे में हम अच्छे से डिटेल देखते हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो बहुत खास होने वाला है, तो चलिए देखते हैं कि एल्केन के जो सदस्य है उनका आईयूपीएसी नाम किस तरह से लिखते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको एल्केन का सामान्य सूत्र पता होना चाहिए, फिर आप किसी भी सदस्य का जब आप आईयूपीएसी नाम लिखेगा तो उसका सूत्र सबसे पहले आप पता कर लीजिएगा। तो इसमें लिख रहे हैं हम लोग एल्केन के बारे में, तो एल्केन का सामान्य सूत्र सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या होता है। कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है यानी कि जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, क्या होता है CnH2n+2, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर आईयूपीएसी नाम लिखने तक के ये मदद करेगा। क्या चीज के, एल्केन का सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, जहां एन का मान कितना से शुरू होता है तो 1 से शुरू होता है और कहीं तक के भी जा सकता है, तो 1, 2, 3, 4 अब ये जाते रहेगा इत्यादि। अब यहां पे आपको एक पॉइंट देखना है, क्या पॉइंट है, कि एल्केन में कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मूल शब्द में एन जोड़ कर नाम बोला जाता है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि आपको 10 मूल शब्द याद करने हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पे, कि C1 के लिए क्या होता है, C2 के लिए क्या होता है, मेथ एथ प्रोप ऐसे करके था, C1 के लिए मेथ और C2 के लिए एथ, फिर 3 के लिए क्या होता है प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स और 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। यह आपको याद होना चाहिए, फिर आप आईयूपीएसी नाम लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिखा पाएगा। दोस्तों अब देखते हैं क्या चीज, एक चार्ट आपको यहां पे दिख रहा होगा। दोस्तों यह चार्ट है जिसकी मदद से आप किसी भी हाइड्रोकार्बन के प्रकार का जो सदस्य होता है उसका आप आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि चार्ट में क्या है, सामान्य सूत्र। दोस्तों आप लिख किसका रहे हैं, तो एल्केन का, तो सबसे पहले आपको सामान्य सूत्र में एल्केन का सामान्य सूत्र लिख देना पड़ेगा। क्या चीज के, CnH2n+2। अब यहां पे n का मान रखना है। दोस्तों एल्केन के लिए n का मान 1 से शुरू होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अलग अलग प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका n का मान बदलते रहता है, लेकिन इसका मान है 1 से शुरू होता है और आगे तक बढ़ते रहता है। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां 1 से शुरू ना होकर कुछ और से शुरू होगा, वो आपको वहां पे हम बता देंगे। तो चलिए यहां 1 से शुरू है तो n का मान हम यहां पे 1 रख देते हैं। अब इसमें n का मान 1 रखिएगा तो आपको फॉर्मूला क्या आएगा, CN के जगह पे 1 और H2 × 1 + 2। थोड़ी बहुत गणित आती होगी तो n का मान रखने पर आपको पता चल जाएगा कि क्या फॉर्मूला निकल रहा है। क्या चीज की, C के लिए 1 है तो C1 और H कितना आ जाएगा, 2 × 2 और 2 = 4, यानी कि CH4। तो आपका अनुसूत्र कितना निकल गया, CH4। अब इसको क्या करना है, हटा देते हैं हम,
दोस्तों अब अनुसूत्र हो गया CH4 मूल शब्द। अब यहाँ पे मूल शब्द कितना होगा यह आपको कैसे पता चलेगा? दोस्तों आपको देखना है कि यहाँ पे n का मान कितना है। n का मान यहाँ पे है 1, और n का मान जब 1 रहता है तब हम लोग उसका जो मूल शब्द होता है वह क्या लिखते हैं? मेथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मेथ लिखते हैं। तो चलिए मूल शब्द के जगह पे हम क्या लिख दे रहे हैं? मेथ लिख दे रहे हैं। अब इसमें अनुलग्न जोड़ना है, और अनुलग्न किसका जोड़ना है? जिसका आप IUPAC नाम लिख रहे हैं। तो आप यहां पे IUPAC नाम किसका लिख रहे हैं? एल्केन का। और एल्केन के लिए मूल शब्द में क्या जोड़ा जाता है? तो एन जोड़ा जाता है, और यही इसका क्या हो गया? अनुलग्न हो गया। क्या हो गया? प्रत्यय हो गया, अनुलग्न हो गया। तो इसमें हम जोड़ देते हैं क्या चीज? एन। अब दोस्तों अगर थोड़ी बहुत आपको संधि विच्छेद आती होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा क्या चीज, संधि में पढ़ा होगा क्या चीज के मेथ है। अब यहां पे एन है, अगर इस दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? दोस्तों मप्पर एकले में तो रह जाएगा, लेकिन थप्पर भी एकले चढ़ जाएगा। क्यों चढ़ जाएगा? इस ए के लिए चढ़ जाएगा। तो यहां पे चढ़ गया एकले, और यह बन गया क्या चीज? मेथेन बन गया। क्या चीज बन गया? मेथेन। तो ये जो निकला है सबसे पहला IUPAC नाम निकला है, किसका निकला है? तो एल्केन का निकला, और एल्केन का जो प्रथम सदस्य है वह आपका बन गया क्या चीज? मेथेन बन गया। बहुत ही आसान है, बस इस चार्ट को आप दिमाग में रख लीजिए। इस चार्ट की सहायता से आप हाइड्रोकार्बन के किसी भी प्रकार का IUPAC नाम लिख सकते हैं, और यह आपको बहुत ही काम आएगा दोस्तों आगे। तो चलिए यह एक हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला हम निकाल के देखते हैं, और हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी भी तरह से इसको समझ जाइए। क्या चीज? कि आपको तो सामान्य सूत्र CnH2n+2 तो बदलेगा नहीं, क्योंकि एल्केन का सामान्य सूत्र ही होता है, बस एन का मान बदलते रहता है। और वहां पर जो मूल शब्द है, जितना आप एन का मान रखिएगा तो वहां से आप देख लीजिएगा मूल शब्द से क्या चीज के कार्बन परमाणु की संख्या 2 रहने पर क्या नाम होता है, 3 रहने पर क्या नाम होता है, और उसमें एन एन आपको जोड़ते जाना है। बस एकले चढ़ा के न लिख देना है, कुछ भी नाम रहे, जैसे कि मेथ है तो मेथ में एकले चढ़ा के थ पर लास्ट वाले पर न लिख दिए हैं, तो बन गया है मेथेन। अब एथ आएगा तो एथेन, प्रोप आएगा तो प्रोपेन, ब्यूट आएगा तो ब्यूटेन, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि अगला क्या है। यह तो फॉर्मूला वही रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम एन का मान ना 2 रखते हैं, कितना रखते हैं? 2। तब फॉर्मूला क्या आएगा? अब एन का मान अगर हम यहाँ पे 2 रख देते, C2H2 × 2 + 2 हो जाएगा C2, और एच 2 × 4 और 2 कितना? 6 हो जाएगा, तो C2H6 आ गया। तो यह आपका क्या हो गया? अनुसूत्र हो गया। क्या चीज? C2H6 हो गया। अब यहां तक के तो आपको निकल गया, अब आपको लिखना है मूल शब्द। मूल शब्द कैसे लिखेगा? तो वही के यहां पे n का मान कितना है? n का मान है 2, तो मतलब 2 के लिए हम क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बहुत ही आसान है दोस्तों, बस आप इसे स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए। अब अनुलग्न, अनुलग्न वही रहेगा, एल्केन के लिए अनुलग्न नहीं बदलता, वही n रहता है। तो चलिए एथ में n जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? a तो लिख दिए, अब थ भी लिख देना है। क्या लिख देना है? थ भी लिख देना है, और ए के लिए इस पर एकले चढ़ा देना है। तो यह क्या हो गया? एथेन हो गया। क्या हो गया? एथेन हो गया यह। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट बताते हैं आपको कि 3 रहने पर क्या होगा। अब इसको ना ट्रिक की सहायता से भी हम बना सकते हैं, तो ट्रिक आपको पड़ जाएगा महंगा। जब आप समझ जाइएगा अच्छे से तो ट्रिक आप खुद से बना लीजिएगा, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन फिर भी आप यहां पर देख लीजिए क्या चीज के 3 रख रहे हैं, 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 7 रखेंगे, 8 रखेंगे, 9 रखेंगे। यहां तक के हम रख के आपको हम बता देते हैं कि अगर 3 रखिएगा तो क्या होगा, तो सी का मान तो यहां पे 3 रहेगा। अब क्या करना है? हाइड्रोजन में इसके 2 गुना में 2 जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? कि यहां पे n का मान जितना आप रख रहे हैं उससे 2 गुना करके 2 उसमें जोड़ देना है। मतलब कि 3 यहां पे है तो 3 का 2 गुना कितना होता है? 3 × 2 = 6, और उसमें 2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना? 6 × 2 = 8। तो h का मान कितना आ गया? 8 आ गया। कितना आ गया? 8 आ गया। अब यहां पे 3 के लिए क्या लिखते हैं? तो मेथ एथ प्रोप। 3 के लिए कितना लिखते हैं? प्रोप लिखते हैं। तो यहां पे लिख दिए हम कितना? प्रोप लिख दिए। अब प्रोप में क्या करना है आपको? एन जोड़ देना है। अब प्रोप में जब एन जुड़िएगा तो आपको बन जाएगा क्या चीज? प्रोपेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोपेन बन जाएगा। तो यह हो गया आपका कितना? 3रा सदस्य हो गया। किस चीज का 3रा सदस्य हो गया? तो एल्केन का 3रा सदस्य हो गया। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं, इससे आसान हो ही नहीं सकता है। बस आप इसे कंटिन्यू देखते रहिए दोस्तों। अब 4 में देख रहे हैं तो सी का मान आप 4 रख दिए, तो एच कितना हो जाएगा? तो 4 × 2 = 8 और 2 = 10 हो गया। कितना हो गया? 10 हो गया। अब यहां पे हो जाएगा मेथ एथ प्रोप, उसके बाद में क्या चीज होता है दोस्तों? तो ब्यूट होता है। क्या होता है? ब्यूट होता है। इसमें क्या जोड़ना है? एन जोड़ना है। अब यहां पे आपको बन जाएगा क्या चीज? ब्यूटेन बन जाएगा। यहां से देख लीजिए आप, ब्यूट के ब्यूट लिख दिए
अब लास्ट वाले पे एकले चढ़ा के न लिख दिए, क्या बन गया दोस्तों, ब्यूटेन बन गया। अब आप इसी तरह से फाइव का भी निकाल सकते हैं, सी फाइव हो गया, एच पांच दूना दस और दू बारह। अब ये पांच पे क्या हो जाता है दोस्तों, पेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, पेंट। अब इसमें जोड़ना क्या है, एन जोड़ना है, तो यहां पे क्या बन जाएगा दोस्तों, पेंटेन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पेंटेन। दोस्तों आईयूपीएसी नाम जो होता है वह आपको अलग अलग वीडियो में हम सिखाएंगे, एक ही वीडियो में इसको तब कैप्चर करेंगे जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब, ऐसे एक वीडियो में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। लगातार आप देखते रहिए, सिलेबस से इस चैनल पे पढ़ाई होता है, शॉर्टकट पढ़ाई नहीं होता दोस्तों। अब यहाँ पे सी सेवन रखना है तो सी का मान सेवन रख दिए, अब इसका दुगुना कर दीजिए तो सात दुना चौदह, उसमें दो जोड़ दीजिए तो चौदह दो कितना हो गया, सोलह हो गया। यहाँ पे सिक्स छूट गया ना, सिक्स का पहले बना देते हैं, सी सिक्स एच छ दुना बारह, बारह दू चौदह। अब सिक्स के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, तो हेक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हेक्स। अब हेक्स पर जोड़ना है क्या चीज, एन जोड़ना है, क्या बन जाएगा, हाँ हेक्सेन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हेक्सेन बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो सातवां है सी सेवन एच सात दुना कितना, चौदह, चौदह दू सोलह, तो इसके लिए हो गया क्या चीज, हेक्स। अब हो जाएगा हेप्ट, क्या हो जाएगा, हेप्ट हो जाएगा, और इसमें जोड़ देना है एन, क्या बन गया दोस्तों, हेप्टेन बन गया, क्या बन गया, हेप्टेन बन गया। अब इसमें कितना बच गया दोस्तों, एक आठ, एक नौ, एक दस बच गया। इस तीनों को आप खुद से ट्राई कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इसे बना दीजिए, क्या बनाना है। अब यहाँ पे आठ है, क्या है, आठ है, तो सी का मान कितना रखना है, आठ। अब उसमें दो से गुना कीजिए, आठ दुनी, आठ दुनी सोलह। अब उसमें कितना जोड़ना है, दो जोड़ना है, कहां से जोड़ना है, इस सामान्य सूत्र से जोड़ना है, इस पर रख के निकालिए, या फिर आप यहां से देख सकते हैं कि सी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, अब आगे क्या आएगा, एट, आगे नाइन, फिर क्या आएगा, टेन। अब इधर देखना है चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह, मतलब दो बढ़ते जा रहा है, बहुत ही आसान है। तो अनुसूत्र आपको समझ में आ गया, उसके बाद में आपको मूल शब्द मेथ एट प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, अब क्या आएगा, ऑक्ट नॉन डेक, अब फिर उसमें सब में एन एन जोड़ देना। अब इधर क्या बन गया, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन, आगे क्या बनेगा, तो हेप्ट के बाद आता है ऑक्टेन नॉन एन डेकेन। तो यह था आपका क्या चीज, के एल्केन का आईयूपीएसी नाम लिखना। तो आईयूपीएसी नाम लिखना बड़ी बात नहीं है, बस आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। वो कब समझ में आएगा, जब आप इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा, अच्छे से देखिएगा, इसमें जितने सारी बातें बताए गए उसको याद कर लीजिए, और इससे जितना सारा पीछे वाला वीडियो है उस सबको आप याद कीजिए और देखते रहिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो सी एन एस टू एन प्लस टू होता है, एन का मान वन से शुरू होता है। अब आपको याद रखना है क्या चीज, कि उसमें अनुलग्न क्या जोड़ते हैं, तो एन जोड़ते हैं, एल्केन के लिए क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं। अब पूछता है क्या चीज, के बताइए एल्केन का प्रथम सदस्य कौन है, तो एल्केन का प्रथम सदस्य क्या है, मेथेन है। अगले वीडियो में दोस्तों मैं मेथेन के बारे में जितना डिटेल है उतना दे दूंगा, इससे आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, सब्जेक्टिव बन जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, उससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है अगले वीडियो बनाने के लिए। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।